नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री विद्या चैनल। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र सिंह। ये जो सेशन है वो है सहयोग का, और आप सब जानते हैं कि इस सेशन में हम लेकर आते हैं बहुत ही दिलचस्प से इश्यूज, जहां पर आपके मन में जो सवाल उठ रहे हो, जवाब नहीं अगर मिलते हैं तो इस सेशन के माध्यम से कहीं ना कहीं वो सवाल के जवाब आपको जरूर मिल पाते हैं। टॉपिक आपके सामने रख रहा हूँ, वहां पर आप स्वयं निर्णय करेंगे कि आज क्या होने वाला है। सेल्फ वर्थ अ कंसिडरेबल फैक्ट फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। कैसे, बहुत दिलचस्प सा है ये पहलू, क्योंकि जो समय है, जो मंजरकशी है, वो बहुत ही टिपिकल है हम सभी के लिए। और ऐसे समय में क्या कुछ करना चाहिए, तो महान शख्सियत भी हमारे साथ जुड़ी हुई है इस पर बात करने के, उनका भी मैं आपसे तारुफ कराऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, तो आप संपर्क करेंगे 8800-440-5599 पर। यह है हमारा टेलीफोन नंबर। इसके अलावा सहयोग का जो ऑफिशियल मेल आईडी है, वहां पर भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, sahyog.ncrt@cit.nic.in पर। और एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर इस प्रोग्राम को आप लाइव देख सकते हैं। प्लस जो प्रधानमंत्री विद्या के जो मसलन 1 से लेकर 12 तक चैनल है, वहां पर भी जाकर आप इस प्रोग्राम को लाइव देख सकते हैं। समय हो गया है अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराने का। सबसे पहले तजुर्बेकारी के पैरोकार, वन ऑफ माई फेवरेट सर, प्रोफेसर के वी रात, जो कि आ रही है अजमेर से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रात सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू धर्मेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच टू ऑल। और दूसरी तरफ बहुत ही टैलेंटेड हमारे साथ प्रैक्टिसिंग काउंसलर जुड़ रही हैं, मिस बगीचा शेरावत जी, शेखावत जी, माफ कीजिए, बगीचा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। राइट, वापस लौटते हैं राज सर। अब ये बहुत ही दिलचस्प समय है। पहली चीज तो जहां से हम निकले थे, जैसे तैसे बाहर आए, वो कहावत बड़ी सटीक बैठती है आज के प्रासंगिक दौर में, कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। आई थिंक आप एग्री करेंगे उस बात से। बहुत सारी चीजें जो करने की जरूरत है। खैर, बात करते हैं आज के इस टॉपिक पर। और सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि सेल्फ वर्थ से हम क्या समझते हैं, इसके मायने क्या है, और ये जो जो डिवैल्यूज हैं हमारे सेल्फ वर्थ, वो कहाँ से आकर उसमें आनबिराजी है, कैसे उसको दूर करेंगे, वैल्यूज की तरफ हम कैसे जाएंगे, पहले उसका मतलब समझ लेते हैं। धर्मेंद्र जी, सेल्फ वर्थ जब हम बात करते हैं, वेरी क्लियरली टर्म में ही दिखता है, एक शब्द है सेल्फ, उसका वर्थ। बट दैट सेल्फ इज वेरी पावरफुल। इवन कि मैं ये कहूं, ये गलत नहीं होगा, इफ सेल्फ इज यू ओके, एवरीथिंग इज यू ओके। क्योंकि इसी सेल्फ की इंपोर्टेंस हमारा साइकोलॉजी के अंदर, हमारा व्यवहारिक की दृष्टि से बहुत रहा है। बहुत रिसर्च इसके ऊपर हुई है। इवन कि इसी के रिलेटेड कुछ टर्म हमको सुनने के लिए भी मिलेगा, जैसे सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, ऐसे बहुत सारे शब्द का मिले। लेकिन ये जो सेल्फ वर्थ है, ये इतना रिसर्च के अंदर नहीं आया था। उसको ओवरलैपिंग सेल्फ एस्टीम के साथ करते थे लोग। सेल्फ एस्टीम है कि थिंकिंग एंड फीलिंग अबाउट योर बिहेवियर, बट सेल्फ वर्थ इज ए डीप रिकॉग्नाइजिंग एंड डीप रियलाइजेशन अबाउट योर वर्थ। और ये हमारा सेल्फ का, ये सेल्फ वर्थ है कि कोर प्रोसेस। जब हम कोर प्रोसेस की बात करते हैं, इसमें हमारा बिहेवियर एंड थॉट्स, फीलिंग, सभी टाइड टुगेदर, वो हमको हेल्प करते हैं व्यू करने के लिए अबाउट आवर ओरिजिनेस एंड वैल्यू एज ए ह्यूमन बींग। जब हम इसको कोर कहते हैं, डेफिनेटली इट इज इंटरनल। और ये कि इसी प्रकार की इंटरनल स्टेट है, इंटरनल स्टेट हमारा, जिसके द्वारा हम हमारा सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ लव, ये तीनों हमारा मिल जाता है। दैट इज लीडिंग टू अबाउट योर ओन वैल्यूज एंड हैप्पीनेस इन फ्यूचर। तो सेल्फ वर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, जो कि इसके अंदर हमने बहुत अच्छी तरह दिखा भी रखा हूं। ये कि इस प्रकार की क्षमता है जो कि ट्रू वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे इमोशंस बिहेवियर, एंड सेल्फ वर्थ तो डेफिनेटली अपन को ओन जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है, एंड एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है हमारा। होप एंड कॉन्फिडेंस इज द बेसिक टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर सेल्फ वर्थ। हम थोड़ी सी देखेंगे कि ये बनता कैसे है। नहीं, जो सेल्फ वर्थ की मॉडल है,
इसमें चार एलिमेंट है, एक होता है हमारा एबिलिटी, एक होता है हमारा इफोर्स, एक होता है हमारा परफॉर्मेंस, एंड देन फोर्थ होता है हमारा सेल्फ वर्थ। क्योंकि एबिलिटी एंड इफोर्स ये दोनों जब पावरफुल हो जाते हैं दैट अफेक्ट द परफॉर्मेंस, एंड जब तीनों मिल जाते हैं दैट बिकम द सेल्फ वर्थ। लेकिन ये सेल्फ वर्थ को समझने के बाद ये बहुत जरूरी है, हम जानते हैं इस बात की, बट हम क्यों इसको डीवैल्यू कर देते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डीवैल्यू हम क्यों कर देते, डीवैल्यू करने के कारण क्या हो जाता है ना, कभी कभी क्या होता है हम फीलिंग अनवर्दी, खुद ही हो जाते हैं, खुद को इतना वैल्यू नहीं समझते हैं, बिकॉज हम जानते हैं दूसरे के साथ कंपेयर करके हम बात सोचते हैं मैं इम्परफेक्ट हूँ, सोसाइटल रूल इसी प्रकार के आ जाते हैं। हमारा बिजनेस कंपैरिजन इस प्रकार की, नेक्स्ट स्लाइड, इसी प्रकार की वजह से भी, इसी के वजह से हम अपनी सेल्फ वर्थ को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, डीवैल्यू कर देते हैं, अच्छी तरह हम हमारा सेल्फ वर्थ को बिल्ड नहीं कर पाते। धन्यवाद। क्या बता सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया, कारण भी बताया, उसकी काफी सारी चीजें भी बताई, एक तो मर्ज की तरफ भी आपने इशारा किया जो आप बात कर रहे थे कि कब वो आखिरकार हमें समझ में आते हैं, इस पर भी मैं एक शंका मेरे रह गई मन में, वापस आपके पास आऊंगा लौट कर जब समय मेरे पास रहेगा। फिलहाल हम चलते हैं बगीचा जी की तरफ और सब ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो सेल्फ वर्थ जैसा एक गुण है आखिरकार इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों ये रिक्वायरमेंट इसकी होती है हमारे दैनिक जीवन में। बगीचा जी। थैंक यू सो मच सर फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। वेल, सेल्फ वर्थ जो है, जैसे कि रत सर ने कहा कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें हमारी वैल्यू बताता है, हमारी लाइफ में हमारी क्या वैल्यू है। सो सेल्फ वर्थ इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर अवर स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ, क्योंकि ये हमारे हमें एक शील्ड की तरह काम करता है हमारी इलनेसेस पे, हमारी इमोशनल प्रॉब्लम्स पे, जो हमें एंजाइटीज हैं, जो फियर्स हैं, उन सबको हम इसकी सेल्फ वर्थ डेवलप करने के बाद में उन सबको हम बीट कर पाते हैं, अपने आप को उससे शील्ड कर पाते हैं। सेकंड इज इट हेल्प्स अस टू डेवलप ऑनेस्ट रिलेशनशिप्स। वेल, वी डोंट फील द नीड टू हाइड अवर सेल्फ, अवर ट्रू सेल्फ फ्रॉम अवर सेल्फ, राइट? एंड दैट विल हेल्प अस टू फॉर्म रिलेशनशिप्स विद अवर स्कूल टीचर्स, अवर फ्रेंड्स, अवर पीयर्स एंड अदर कोलीग्स, and we became more honest with ourselves and the other person also, and also we make decisions boldly because it develops knowledge or ability to judge the situation overall, and it helps us to take risk very calculatively, right? Jo hum calculated risk lete hain wo hame help karta hai. इसके अलावा सॉल्व प्रॉब्लम्स कॉन्फिडेंटली, वी कैन सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स जो हमारे स्कूल में, जो हमारी कम्युनिटी में, जो हमें सोसाइटी में, नेबरहुड में जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उनको प्रॉपरली टैकल कर पाते हैं बाय यूजिंग अवर सेल्फ वर्थ। क्योंकि अगर सेल्फ वर्थ, अगर हम एक पर्सन है वो लो फील कर रहा है तो वो ओवरवेलमिंग की सिचुएशन हो जाएगी, बट अगर वो सेल्फ वर्थ अपनी डेवलप कर लेता है, प्रॉपर हाई है सेल्फ वर्थ, तो दे एक्सेप्ट चैलेंजेस, लाइक जो भी लाइफ उनको चैलेंजेस ऑफर करती है वो उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर पाते हैं। एंड इट हेल्प्स टू डेवलप अवर साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑल्सो, दैट इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस। एंड इट ऑल्सो, जैसे कि सर ने भी बताया कि ये बहुत हेल्प करता है हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेने में भी लाइफ में, एंड इट हेल्प्स अस, इट इज रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ। अगर हम अपने आप को समझ पाते हैं, अगर हम अपने आप को समझ पा रहे हैं, तो हमारी सेल्फ वर्थ को हम डिवेलप कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी इंपॉर्टेंस क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमारा थॉट्स क्या है, तो और हमारा बिहेवियर क्या है। तो अगर हम खुद को समझ पाते हैं तो हम इसे प्रॉपरली डिवेलप कर पाते हैं। इट ऑल्सो बूस्ट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, इट ऑल्सो बूस्ट अवर सेल्फ एक्सेप्टेंस, दैट वी एक्सेप्ट अवर फ्लोज, हम जजमेंटल नहीं होते, हम हमारे जो हमारी गलतियां हैं, जो हमारे मिस्टेक्स हैं, उन यूनिक हैबिट्स को भी हम एक्सेप्ट करते हैं, और ये हमारी सेल्फ एक्सेप्टेंस को बूस्ट करता है। एंड इट ऑल्सो एनहेंसेज अवर सेल्फ लव,
जैसा सर ने बताया था कि जो सेल्फ वर्थ है वो हमारे सेल्फ लव को, हमारे कॉन्फिडेंस को एनहेंस करता है। तो अगर हम अपने आप से प्यार करेंगे तो हम अपने आप को वर्दी मानेंगे उस चीज का, कि हाँ अगर मैंने पर्टिकुलर टास्क या पर्टिकुलर चीज की है तो मैं उसके लिए वर्थ हूँ, मैंने वो जो अर्न किया है अपनी लाइफ में मैं उसके लिए वर्थ करता हूँ। एंड ऑल्सो वी कैन रिकॉग्नाइज अवर सेल्फ वर्थ बाय अंडरस्टैंडिंग सम स्मॉल थिंग्स लाइक अवर एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स अस, अवर थॉट्स, अवर बिहेवियर। एंड ऑल्सो वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल फॉर रिकॉग्निशन, फॉर प्रेज। सो वी कैन रिकॉग्नाइज अवर सेल्फ वर्थ बाय अवर सेल्फ्स। थैंक यू सो मच सर, धर्मेंद्र सर। क्या बात है, जब ये हमें मालूम चल जाए कि आखिरकार हम हैं किस लिए और किस बाबत हमारा जन्म हुआ और क्या कुछ हमें करने की जरूरत है, तो फिर जिंदगी एक अलग ही मुकाम पर चली जाती है। जिंदगी जीने का एक वो तरीका कहते हैं कि आ जाता है ये कुछ एक पकवाड़े जीने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया बगीचा जी, आपके पास मैं दोबारा लौटूंगा। चलिए, यहाँ पर हमने ये तो जान लिया कि सेल्फ वर्थ के मायने क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है दैनिक जीवन में, ये कहीं ना कहीं इसकी इसका जो इम्पोर्टेंस है, रोल क्या है। अब हमें अगर हम ये जान जाए इसके फैक्टर्स क्या हैं और उसका इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है वो किस तरीके से हमारे दैनिक जीवन पर दिखाई देता है, तो सर मेरे साथ साथ सारे जितने दर्शक हैं वो भी इस बात को समझना चाहेंगे। देन द फैक्टर्स ऑफ एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ सेल्फ वर्थ ऑन अदर रूटीन। नेक्स्ट पर्टिकुलर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थैंक यू धर्मेंद्र जी। हम जैसे सेल्फ को बारे में बात करें, हमने एक बात कहे थे, सेल्फ मींस मैन, दैट मींस यू आर द ओनली फैक्टर। अब यू आर द ओनली फैक्टर कहे तो उसका मतलब क्या है, क्योंकि मैं तो अकेला ऐसे कहाँ से आया नहीं हूँ, मैं तो ब्रॉन एंड ब्रट अप इन सम एनवायरनमेंट, क्योंकि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन दोनों मिलकर मेरे को बनाया है। मैं जब एनवायरनमेंट के साथ पला बढ़ा, इंटरेक्शन करा, उन्हीं में से कुछ सीखा, उन्हीं में से कुछ चीज़ों को वैल्यू दे दिया, हाँ ये चीज़ें एक्चुअली सोसाइटी के लिए जरूरत होती है, तो वही सारे फैक्टर्स हैं। जैसे हमने देखे फैमिली एनवायरनमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, द वे यू गवर्न एंड ब्रॉट अप इन योर फैमिली सिस्टम, बिकॉज दैट इज ए सोशलाइजेशन प्रोसेस। उस सोशलाइजेशन प्रोसेस के माध्यम से फैमिली में मैं बहुत कुछ सीख पाता हूँ, और मैंने पेरेंट्स एंड ये इस प्रकार की जिस जिस को वैल्यू देते हैं, किस प्रकार को बिहेव करते हैं, वो सब चीजें मेरे सेल्फ ग्रोथ को भी प्रभावित करता है। उसके बाद में जैसे जैसे बड़ा हो जाता हूँ, मेरे को थोड़ी समझ अच्छा बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाता है, देन मैंने समाज के साथ काम करते करते आई हैव मेनी पर्सनल एस्पिरेशंस, या आई एस्पायर समथिंग, यस आई विल बी समथिंग इन माय लाइफ, व्हेन आई एस्पायर समथिंग दैट ऑल्सो बिकॉज दैट विल मैच, आई हैव दैट एबिलिटी एंड डू एम आई एग्जर्टिंग दैट इफोर्स टू गेट इट। तो ये चीजें एस्पिरेशन वो उस प्रकार के आपको प्रभावित करेगा। लेकिन जब समाज के साथ में इंटरेक्ट करता हूँ, दूसरों की जो फीडबैक वो भी मेरे को प्रभावित करता है। एक्चुअली सेल्फ ओर्थ वाला कभी वो मिस्टेक हो कुछ भी हो, वो अपनी ओर्थ को ज्यादा वैल्यू देता है, उन चीजों से इतनी प्रभावित नहीं होता, बट वो जहां प्रभावित हो गया देन दैट सेल्फ ओर्थ विल बी definitely influenced. Then physical appearance, obviously how I am looking at. अब वो लोग पक जैसे वो कहेंगे अरे बड़ा स्मार्ट है, that give me, yeah, I am very smart. तो वो चीजें भी मेरे सेल्फ वर्थ को बढ़ाता है। एंड ऑब्वियसली अचीवमेंट, एंड दैट इज माई एकेडमिक अचीवमेंट, वट एवर द अचीवमेंट एज वेल एज द एकेडमिक अचीवमेंट, एंड द क्वालिटी ऑफ अचीवमेंट एंड द क्वान्टिटी ऑफ अचीवमेंट बोथ ऑल्सो अफेक्ट द सेल्फ वर्थ। Then I am always governed by my belief system, and that self belief which I am inculcated from the societal interactions, family interactions, friends interactions, those type of a belief system which I develop, that also affect my self worth. And then task proficiency and accomplishment, that is somehow related to the academic achievement, and that is the backside. जो कि टास्क प्रोफिशिएंसी कितनी क्षमता रखता हूँ, कितनी अच्छी तरह अकम्प्लिश कर पाता हूँ, वो चीजें भी मेरे सेल्फ ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। धर्मेंद्र जी, आपने दो तीन चीजें यहाँ पर बताई। अच्छा, और अक्सर एक चीज बताएं कि जिस प्रश्न को मैं उठा रहा हूँ उनका भी एक लंबा क्लास है, एक बहुत मात्रा में तादाद है, उनको खुद भी समझने की जरूरत है। आपने बोला कि हु आई एम एंड हु एम आई, इफ आई सेज कि आई एम समथिंग प्रीटी मच स्पेशल टू प्रूव दिस सेल्फ वर्ड, तो ये बोलते कि हु एम आई, आई एम समथिंग,
That means, are they indicating somewhere that I am the divine flame? Actually, who are not doing anything, but they are the divine flame. ये जो एक खुश खुश फहमी वाली बात है, अगर वो उसको वर्थ में कन्वर्ट करें तो उसको जल्दी से एक मिनट में समझ लेते हैं। थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं हो पा रही है क्वेश्चन का। मैं आपको क्लैरिटी बताता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप में कुछ हूँ, आई एम समथिंग, ठीक है। एक दूसरा जो वर्ग है वो बोलता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, आई एम द डिवाइन फ्लेम। तो ये जो डिवाइन फ्लेम की बात आ रही है और जो अपने आप को अभी भी समझने की कोशिश करता है, तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ निगेटिव पॉइंट वाले, जिनको खुश फहमी है कि आई एम द डिवाइन फ्लेम, वही जो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो उसको सेल्फ वर्थ में हम डायरेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में किस तरीके से पुश करेंगे? देखिए, जैसे मैं आपने जैसे कहा, सपोज आई अंडरस्टूड करेक्टली द थिंग्स क्वेश्चन, जे बाहर के जो से बाहर के फैक्टर की बात करते हैं, बाहर के फैक्टर भी ज्यादा प्रभावित है एंड वो मेरे को इन्फ्लुएंस करता है। दैट टाइम सपोज मेरा जजमेंट मैं ठीक तरह रख पाता हूँ, मेरा पेशेंस के साथ मैं उनको जज कर पाता हूँ और जज करके देख पाता हूँ कि यस, इफ दैट इज गुड दैट आई कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट दैट वन इन माई माइंड टू मेक द थिंग्स बेटर इन फ्यूचर, तो उसको फिर मैं ही ग्रहण कर लूंगा। वहां द क्रिटिकल जजमेंट आपका है वो ज्यादा प्रभावित कर जाएगा उसको। राइट, तो चलिए सही डायरेक्शन को पकड़ने की जरूरत है। काफी कुछ बातें यहाँ पर हो गई, अभी भी हमारे पास कुछ समय बाकी है। अब ये जानने की आवश्यकता है कि सेल्फ वर्थ जैसी बातें जो हम कर रहे हैं अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, जो पर्सनल डेवलपमेंट की बात हुई है, वहां पर कुछ एक बेनिफिट्स को भी अगर हम तलाश करने की कोशिश करें, क्या वो हमें यहाँ पर मिल सकते हैं? सो ड्यू टू दोज बेनिफिट्स इफ वी कैन बिल्ड आवर सेल्फ वर्थ। मिस प्रगीशा जी, थैंक यू सो मच सर। यस सर, डेफिनेटली हमारे सेल्फ वर्थ डेवलप करने के हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, बिकॉज इट एनहेंसेज अवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, अवर सेल्फ एक्सेप्टेंस, अवर सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ एस्टीम एज वेल, एंड ऑल्सो इट मेक्स अस अवेयर अबाउट अवर सेल्फ। सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट वी यूज टू टेक रिस्क बिकॉज वी हैव दैट कॉन्फिडेंस इन अस, because it will tackle your exam fear, your educational goals ki jo importance hai hum wo samajh pate hain, fir hum apne aap ko accept karna seekh pate hain ki hamari jo bhi negative life ki negativity hai jo life mein, usko hum kis tarah se positivity mein convert karke apne aap ko accept kar sakte hain। hamare jo negative flaws hain hum unko accept karna, unhe embrace karna seekhte hain। इसके अलावा जो हमारे हिडन टैलेंट्स हैं वो टैलेंट सामने निकल कर आते हैं जब हम अपने आप को जैसे हम हैं वैसा हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इससे हम अपना सेल्फ लव भी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि जब हम जब एक व्यक्ति अपने आप से प्यार करना सीख जाता है तो डेफिनेटली वो अपने आप जो अपना जो स्ट्रेस है उसका वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। जो हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं अपने काम को कि नहीं आज नहीं करेंगे कल करेंगे, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, वो भी कम हो जाता है, क्योंकि हमने अपने आप से प्यार करना सीख लिया और हमें पता है कि इस वर्क की वैल्यू हमारे लिए आज क्या है इंस्टेड ऑफ टुमोरो। और हम अपनी आपकी रिस्पेक्ट करना भी सीख जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दैट टर्म्स डिफाइन कि सेल्फ वर्थ सीख रहे हैं, तो वी नीड टू रिस्पेक्ट अवर सेल्फ, तभी हम अपने आप की वर्थ समझ पाएंगे। एंड ऑल्सो सेल्फ एस्टीम इज ऑल्सो एक्सप्लेन बाय रथ सर वेरी वेल, एंड सेल्फ अवेयरनेस इज ऑल अबाउट दैट वी आर अवेयर अबाउट वट इज हैपनिंग अराउंड अस एंड वट इज हैपनिंग विद इन अस, that changes that fear of something, that our thought, our behavior, how we need to strengthen that. And lastly would like to talk about self evaluation। at last में जाकर जब हम अपने आप को evaluate करना सीखते हैं कि हाँ आज मैंने particular task perform किया और आज मैंने इस task से ये चीज सीखी, तो हमें पता लगता है कि हाँ मैंने उस time पे जो behavior किया था, जो मैंने अपनी problem को solve किया था, जिस तरीके से solve किया था वो बहुत perfect है, ठीक है। और इस तरीके को इस्तेमाल करने के लिए, उसको थोड़ा refine करने के बाद मैं थोड़े और task के साथ में उसे apply कर सकता हूँ, मैं अपने आप को evaluate कर सकता हूँ। एंड ऑल्सो लाइक वी नीड टू we can help take help from some techniques for building our self worth, that is like a positive quotes, we can paste some positive quotes in our room। as you know ki pandemic chal raha hai, bache mostly apne ghar mein rehte hain aur pura time news channels pe hum dekhte hain ki some we are talking this happening because of corona, this is happening, to un cheezon mein hum positive quotes agar hamare room mein lagate hain ki this shall do pass,
ये जो टाइम है ये भी निकल जाएगा और अच्छा टाइम भी आएगा जब सारी चीजें सारी सब सबकी हेल्थ और इम्यूनिटी प्रॉपरली हो जाएगी, तो हम पॉजिटिव कोट्स अपने रूम में पेस्ट कर सकते हैं जिन्हें हम बार बार देख सकते हैं, तो वो हमारे लिए एक सबलिमिनल मैसेज का काम करते हैं. एंड वी कैन वर्क ऑन इम्प्रूविंग अवर सेल्फ एंड यूज डेली अफर्मेशंस फॉर सेल्फ वर्थ कि यस हम अपने लिए कुछ अफर्मेशंस बना सकते हैं जिनको हम अपने रूम जिनको हम सुबह उठ के मिरर के सामने बोल सकते हैं, विच विल हेल्प अस कि हाँ समथिंग पॉजिटिव इज हैपनिंग विद अस. एंड सपोर्टिव सेल्फ टॉक दैट वी कैन टॉक अबाउट वी समटाइम्स एज यू नो वी नीड सम एक्सपर्ट एडवाइस, सो वी नीड टू टॉक टू अवर सेल्फ टू गेट दैट एक्सपर्ट एडवाइस एंड इट विल एनहेंस अवर सेल्फ वर्थ इन अस दैट बिकॉज वी आर कंसिडरिंग अवर ओन थॉट्स दैट यस आई कैन डू दिस आई कैन डू दैट इन माई लाइफ. एंड कीपिंग अ ग्रेटिट्यूड जर्नल इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थैंक यू टेक्निक. बाई कीपिंग अ ग्रेटिट्यूड जर्नल वी कैन काउंट अवर ब्लेसिंग्स क्योंकि जैसे जैसे आपकी काउंटिंग बढ़ती जाएगी कि आपके लाइफ में ग्रेटफुल होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं, आपको अपनी वर्थ ज्यादा नजर आने लगेगी. एंड चेंज योर माइंड सेट इन अ पॉजिटिव वे. वी कैन चेंज अवर माइंड सेट कि जो एडवर्स सिचुएशन है लाइक कोरोना की वजह से हम लोग सभी घर में हैं, तो ये सिचुएशन का हम फायदा कैसे उठा सकते हैं. हम लोग अपनी रीडिंग कैपेबिलिटी को एनहेंस कर सकते हैं, हम वो टास्क कर सकते हैं जो हमेशा हम स्कूल में नहीं कर पाते वो आज हम परफॉर्म कर सकते हैं. हम हमारी फैमिली के साथ जो टाइम स्कूल की वजह से ट्यूशंस की वजह से नहीं स्पेंड कर पाते थे, आज वो टाइम हम लोग पॉजिटिवली अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं. एंड ऑल्सो कीपिंग डेली स्मॉल प्रोमिसेस टू योर सेल्फ लाइक कि आप थोड़ा थोड़ा गोल बनाइए अपनी लाइफ में, अपनी स्टडी का कि आज मुझे पर्टिकुलर नॉवल में से 2 पेज पढ़ने हैं. सो अगर आप अपने और अगर आप उस चीज को पढ़ लेते हैं तो वो आपकी सेल्फ वर्थ को बढ़ाता है क्योंकि या आई केप्ट माई प्रोमिस, तो वो हमारी वर्दीनेस को हमारे लिए बढ़ा देते हैं कि मैंने अपने आप से एक प्रोमिस किया था और मैंने वो प्रोमिस कम्प्लीट किया है. एंड ऑल्सो प्रैक्टिसिंग बाउंड्रीज वी नीड टू अंडरस्टैंड बिकॉज वी आर द ओनली पीपल हु आर द गेट कीपर्स ऑफ अवर लाइफ, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अभी हमारी लाइफ में किस चीज की इंपॉर्टेंस है, किस चीज की बाउंड्रीज हमें डिसाइड करनी है कि हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, हमें पर्टिकुलर काम करना है, हमें ये चीजें अपनी लाइफ में हमें जो पर्टिकुलर जो हमारे स्कूल और कॉलेजेस जो हैं हमें ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उन चीजों की बाउंड्रीज हमें डिसाइड करनी है कि हमें ये चीजें पढ़नी है और बाहर नहीं जाना है और अपना अपने ध्यान को बहुत प्रॉपरली यूटिलाइज करना है. एंड ऑल्सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. एंड ऑल्सो वी शुडंट बी वेरी मच हार्ड ऑन अवर सेल्फ. समटाइम्स वी क्रिएट सो मच प्रेशर ऑन अवर सेल्फ कि नहीं मुझे तो ये चीज करनी थी, ये मुझे चीज करनी थी और हम नहीं कर पाते हैं. सो डोंट बी हार्ड ऑन अवर सेल्फ कि हमें अपने आप की अपनी अपनी सेल्फ वर्थ समझनी होगी और हमें अपने आप पे हार्ड नहीं होना है. इसके अलावा वी नीड टू टेक कॉम्प्लीमेंट्स विद ऑल अवर हार्ट बिकॉज जब हम कॉम्प्लीमेंट्स को समटाइम्स लाइक जब आप स्टूडेंट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो लोग समझ रहे हैं नहीं नहीं इट्स ओके मैम इट्स ओके ये तो मुझे ये तो मैंने ऐसे ही कर दिया था. दे शुडंट बी लाइक दैट. उन्हें वो चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए क्योंकि यस आई डिड दैट. उनके अंदर वो एक्सेप्टेंस बढ़ता है, वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ तुमने ये टास्क कंप्लीट किया और वो आपको आपकी वर्थ जो है वो एनहेंस करने में हेल्प करता है, वो आपकी वर्थ को बिल्डअप करता है प्रॉपरली. एंड ऑल्सो डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस और स्टूडेंट्स कैन बाय स्मॉल गिफ्ट्स टू देम कि हाँ आज मैं अपने आप को अप्रिशिएट कर रहा हूँ दैट्स वाई आई एम बाइंग दिस पर्टिकुलर थिंग फॉर मी. And we can also attend motivational seminars because motivational seminars provides motivation, inspiration for overcoming adversity, which in turn help people to take action, to see the world in their and their situation from a very much new perspective. And it also guide us and encourage us to tackle the adversity or adverse situation. निश्चित रूप से बगीचा जी आपने काफी सारे आयाम यहाँ पर बताए. मैं समझता हूँ जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको कहीं ना कहीं इन पर अमल करने की जरूरत है. अंत में जाते जाते एक निर्जीव शरीर में प्राण फूंक देने वाला अगर कोई मैसेज है तो राज सर वो क्या होगा आपकी तरफ से? सर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी कैन नॉट बी कंफर्टेबल विदाउट एक्सेप्टिंग आवर सेल्फ लविंग आवर सेल्फ लव योर सेल्फ. Some miracles will happen in your life.
क्या बात है, खुद से अगर हम प्यार करेंगे तो निश्चित रूप से वो प्यार फिर ये भी आपको कहीं ना कहीं प्रेरित करने की कोशिश करता है कि दूसरों से भी प्यार किया जाए। और जब इस तरीके की बातें फैल जाती है तो हमें अपनी केयर पर खुद भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर तब तक केयर नहीं होगी तो वो फिर केयर लव में जाकर कन्वर्ट नहीं होगी ना। बहुत खास ख्याल धन रखने की जरूरत है। इसी के मद्देनजर जो आज हम टॉपिक आप सभी के लिए लेकर आए थे, मैं समझता हूँ कि जो दुविधाएं आपके मन में थी वो कहीं ना कहीं जरूर खत्म हुई होगी, आपने इसका खासा लाभ उठाया होगा। और जो भी सुझाव है आप अपने एनसीईआरटी ऑफिशियल पर भेजते रहिए और लगातार हमारी एनसीईआरटी की जानिब से कोशिश रहती है कि आप तक हमारी जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जरूर पहुंचे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बहुत ही खतरनाक ये समय है, जब तक घर पर रहेंगे सुरक्षित रहेंगे तो अपना खास ख्याल रखें। फिलहाल दोनों ही एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, प्रोफेसर के विरात एनसीईआरटी अजमेर से, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अमूल्य समय हमें दिया। थैंक यू वेरी मच। एंड ऑल्सो भगीशा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपने भी अपना अमूल्य समय हमारे स्टूडेंट्स को दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। और जितने भी दर्शक हमें देख रहे थे उनका भी बहुत बहुत आभार। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, कल फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना खास ख्याल रखें, मुझे दे इजाजत, नमस्कार।